ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई को डॉन का जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है डर्टी वाटर यानी गंदा पानी। सबसे पहले हम इसकी वो टैब को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर्स मीन कम करके दिखाना, नीचा करके दिखाना। नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड मीन अलूदा। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक मीन फैलाओ। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर मीन जुर्मट, गुच्छा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मीन नाकाफी। नेक्स्ट है कंसिडरेबली यानी काफी हद तक। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं। तो कराची के अंदर मलीर के इलाके में जो है वो गैस्ट्रो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अभी इससे पहले ही जो 300 डायरिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं कराची के अंदर ही शेडी गोट में जून के अंदर। ये कराची के अंदर जो नाकस पानी का इंतजाम है उसकी अक्कासी कर रहा है। और माहरीन का कहना है कि पाकिस्तान सेहत आमा के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो इसको मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर पाया है। अगर हम यूनिसेफ की रिपोर्ट देखिए तो यूनिसेफ की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो घरेलू लोग हैं वो 70% आलूदा पानी पीते हैं और जबकि हर साल 53,000 बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो डायरिया के केसेस की वजह से उनकी अमवात हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इसकी बुरी हालत तो कराची में है। और अब जो अर्बन फ्लडिंग आई है मानसून बारिशों की वजह से उसकी वजह से तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कराची के अंदर जो जो पानी का सैंपल लिया गया है उसके अंदर वेबरियो और हैदरी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उनमें ई कोलाई भी शामिल है। तो इन सब की मेन वजूहात के अंदर सीवरेज का नाकस निज़ाम, जगह जगह फजलात के ढेर और नदी नालों के अंदर जो गंद और फजलात जमा है जिसको हल करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर बेहतर गवर्नेंस मुहैया करके शहरियों के मसाइल हल किए जाए और उन्हें सेहत आमा पर मुश्तमिल सेहतमंद पानी फराहम किया जाए। तो अब यह हुकूमतें वक्त की जिम्मेदारी है कि वो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाए और म्यूनसिपल कमेटियों को मुतहर्रक करे ताकि अर्बन फ्लडिंग के अंदर जो सीवरेज का नाकस निज़ाम है उससे अर्बन फ्लडिंग से भी महफूज रहा जा सके और उससे जो साफ पानी की जो पाइपलाइंस हैं उन्हें भी सीवरेज के गंदे पानी से महफूज किया जा सके। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।